हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, क्या मोहम्मद जैन या हबीबी, तो क्या हाल खबर है आप लोगों का। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नया ब्लॉग में। क्या बोलते हैं, हम लोग जो उधर बाप से ये एएचई में चलता था पाउडर लेके, वो सब बेस लेके, तो उधर का तो काम तो ख़त्म हो गया, और उसी में रमल के आने का एक जो ऑर्डर आया है, तो ये अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ रमल लोड करने के लिए। अभी मैं हूँ सलवर रोड का 35 नंबर मिजान के पास, मिजान क्रॉस कर रहा हूँ। तो चलो भाई, इसको लोड करते हैं। ये एक ही टिप है, ज़्यादा नहीं है। मैं बोला मतलब और भी कहीं पे काम है, तो बोलता है नहीं है। तो अभी ये गिराने के बाद मैं आप एक बार फोन करके फोरमैन से पूछूंगा कि मतलब कि और दूसरा काम है कि नहीं है, कि रूम में आ जाऊँ। मेरे को तो बोला ये एक टिप गिरा के रूम में आ जाने के लिए, तब भी मगर मैं एक बार फोन करके पूछ लेगा यहाँ के, मतलब और दूसरा काम आया कि नहीं आया यहाँ के। नहीं चलो भाई, इसको लोड करते हैं और खाली करते हैं, देखते हैं कब तक खाली करते हैं इसको। गाइज, मैं आ गया हूँ मासना में, इधर लोडिंग वाले एरिया में, एकदम पछाड़ी आया हूँ लोड करने के लिए। इधर मेरा आगे दो गाड़ी है, दो गाड़ी के बाद मेरा गाड़ी लोडिंग होगा। इधर दो ही सेवल चल रहा है पछाड़ी तरफ, उधर एक पानी की तरफ वो लोड होता है, तो उधर मैं नहीं गया, मैं इधर ही आया। हमको लगा इधर गाड़ी नहीं होगा, मगर इधर भी गाड़ी नहीं है, दो गाड़ी कोई ज़्यादा गाड़ी थोड़ी है। तो इधर से अब लोड कराते हैं और निकलते हैं। गाइस, ये आगे वाला गाड़ी लोड हो गया है, अभी मेरा नंबर आएगा लोडिंग के लिए। गाड़ी लगाता हूँ सबका, उधर सेवल वाला गया है, उधर एक गाड़ी लोड हुआ ना, पेपर देके आता हूँ लोडिंग के लिए। गाइस, मैंने पेपर देके आ गया हूँ, मेरा गाड़ी लोड हो रहा है, 28 बोल के आया हूँ। देखते हैं कितना लोड होता है, मिजान पे जाके ही मालूम चलेगा। अपना गाड़ी हो गया लोड, चलो भाई चलते हैं मिजान पे, देखते हैं वेट कितना आता है। देखा मिजान खुला हुआ था, कितना गाड़ी में देखते हैं, लेकिन ये दो मिजान, एक एक मिजान खुला है, एक कितना लग जाता हूँ, कितना लग जाए, क्या करें, उधर बहुत जाम है, जाम में ये दो गाड़ी नहीं है, इधर आगे इसमें से एक ऊपर चढ़ा हुआ है मिजान पे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। गाड़ी का पेपर निकल गया गाइस, अभी मैं मिजान बस उतरने के बाद में चढ़ाता हूँ, तो जाके चेक करते हैं कितना लोडिंग आया। लोड परफेक्ट होना चाहिए यार, चलो गाइस मैं चेक करके आता हूँ कितना मेरा लोडिंग हुआ है, सही होगा तो पेपर निकल के आएगा।
बहुत परफेक्ट लोडिंग हुआ है यार, 44900। मेरे तरफ से वो सेल वाले को एक बड़ा सा थम्स अप, बहुत अच्छा लोडिंग किया यार, ऐसे ही लोडिंग होना चाहिए मालूम है। इधर से पेपर को चेक कराते हैं लोडिंग पेपर का, उसके बाद तिरपाल लगाएंगे सीएल चैनल में खाली करने के लिए। गाइस और क्या बोलते हैं, मेरा गाड़ी का अगला टायर में हवा कम लग रहा है, बहुत मुसीबत है यार। पेपर भी चेक हो गया गाइस, आगे चलता हूँ, कहीं मैं साइन लगाता हूँ और तिरपाल लगा के इधर से चलता हूँ मैं। गाइज मैंने तिरपाल लगा के आ गया हूँ, फिलहाल अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ, ये मासा की तरफ से निकल रहा हूँ। आपका अभी टाइम 7 बजने जा रहा है, मतलब 7 बजने में 2-3 मिनट का, मैं समझ ना 7 बज गया है, मैं इधर से निकल रहा हूँ। और क्या बोलता है गाइज, मेरे को आप लोग कमेंट करता रहता है कि मतलब वीजा निकाल दीजिए, चाहिए कोई गाड़ी खोल दीजिए। तो क्या बात है कि सबसे पहला बात, इधर अभी तक कतल में काम ही नहीं है, हम लोग खुद काम नहीं चल रहा है, ठीक है, हमारा ही कंपनी में काम नहीं चल रहा है। आप लोगों ने देख ही रहा होगा कि हम लोग एक टिप दो टिप मारता है गिराता है, उसके बाद क्या बोलता है काम नहीं रहता है तो रूम में बैठा हुआ रहता है। मेरा जब ब्लॉग नहीं आता है तो समझ जाए कि मैं रूम में ही बैठा हूँ, काम नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब यही हिसाब से देख लीजिए ना, मतलब और भी कोई कंपनी होगा तो वीसा नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इधर मैं कतर में मैं बहुत आदमी सबको देख लिया, मतलब जिसके पास लाइसेंस है 12 गाड़ी का वो बैठा हुआ है, उसको गाड़ी अभी तक मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिलने का कारण यही ना है, आपको क्या बोलता है कि इधर काम नहीं है कतर में, अभी काम वो आएगा, काम आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा थोड़ा ये 1.5 महीने के बाद ही आएगा, किसी को भी आना है 1.5 महीने के बाद ही आए, आगे नहीं। चलो भाई इसको अभी मैं जा रहा हूँ खाली करने के लिए, मैं मास्टर के तरफ से निकल गया। गाइस मैं आ गया हूँ इधर चैनल वाले या चिकन धाम, तो मैंने फोरमैन को फोन किया था, तो वो बोला कि मतलब तीसरा सिग्नल से राइट मार के आगे वाला सिग्नल से यू टर्न करने के लिए, यू टर्न करके बोला कि मैं फोन कर देता हूँ, मेरा बंदा उधर रोड पे रोड के पास खड़ा रहेगा, उधर ही मतलब खाली करना है। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, तीसरा सिग्नल आ गया है, अभी मैं इधर से राइट लेता हूँ, आगे वाला सिग्नल से यू टर्न मारेगा, उसके बाद मैं देखे वो आदमी किधर खड़ा है तो उससे मैं खाली करा के और इधर से निकलता हूँ। गाइस वो बोला था वो सिग्नल यू टर्न करने के बाद एक राइट कट आया, राइट कट में जाने के लिए, तो अभी मैं राइट कट में जा रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो आदमी किधर खड़ा है, वो बोला था एक आदमी मेरा खड़ा रहा था, राइट कट तो यही दिख रहा है, राइट कट में आया हुआ देखता हूँ किधर है, वो उधर आदमी है, वो उधर जाकर पूछता हूँ।
गाड़ी इधर समझ में नहीं आ रहा है किधर खाली होगा, तो मैंने बताया मतलब इंजीनियर को कि मैं वो घुसा जब तीसरा सिग्नल से राइट लेके और फर्स्ट सिग्नल से यू टर्न करके इधर राइट कट में घुसा हूँ, तो बोलते राइट कट में मत घुसो, मैं उधर ही जा रहा हूँ, उधर ही खड़ा रहो, अभी फिर मैं जा रहा हूँ उसको घुमा के और फिर वो सिग्नल यू टर्न करके उधर खड़ा होने के लिए, क्योंकि मैं तो राइट में आ गया हूँ, अब जैसे बैक करके तो जा नहीं पाया उधर, इसलिए फिर से घूम के आना पड़ेगा। देखते कितना कितना टाइम में वो आता है। आपको उधर एक आदमी दिख रहा होगा राइट साइड में जाते हुए, उधर ही कहीं पे गिराना है, उसके अंदर बैक करना है, मुसीबत है मुसीबत। देखते हैं गाड़ी तो सीधा नहीं होगा, मैं कोशिश तो करूंगा इंशाल्लाह। गाड़ी अपना गाड़ी हो रहा है खाली, और इधर पेपर नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा, बता देते इसमें नहीं बनवाया पेपर, इसमें भी बनाना था ना, इसमें बनाना था, इसमें भी हाँ। अपना गाड़ी हो गया खाली, गाड़ी भी इधर मतलब एरिया सही नहीं था, गाड़ी बहुत टेढ़ा हो रखा है, और माल के लिए अब टेंशन नहीं है। चलता हूँ इधर से रूम में, काम नहीं है। गाइस ये हो गया अपना गाड़ी खाली, तो आया मैं पीछे का रमल झार लूँ, रमल झार का चलना पता ना रोड पे, वैसे भी आजकल काम धंधा कुछ है नहीं, आगे नहीं इसका मुखालफा आ जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, आगे नहीं दिमाग ख़राब। देखो गाइस दो नंबर में अटक गया, गाड़ी में कितना टेढ़ा हो रखा है, दो नंबर जग में अटक गया है, अभी जैसे गाड़ी आगे बढ़ाएगा तभी सीधा हो जाएगा। गाड़ी निकालना पड़ेगा उल्टा ही, क्योंकि गाड़ी उल्टा हो गया है, गिर जा भाई संतोष, गिर जा गिर जा गिर जा, टेढ़ा हो गया था ना इसलिए नहीं गिर पाता है। हमको तो लगा संदूक पे नहीं गिरेगा यार, तो झावे हो गया था ऐसे ही, दो लोग जब में उठा ही रह गया था यार, दिमाग खराब। चलो गाइस जब मैं इधर से जा रहा हूँ सीधा रूम में, डीजल नहीं डाला गया कि मारा हूँ तो फिर हम मल, तो अभी मैं इधर से जाएगा सीधा रूम में, तो रॉन्ग साइड में घूस में पहले गाड़ी राइट में मैं लेके जाऊँ। देखते हैं और दूसरा मतलब काम आएगा तो भेजेगा, नहीं तो यही है। चलो गाइस जा रहा हूँ रूम में अभी। गाइस ये आ गया मैं 10वां ब्रिज का अंडर पास के नीचे, इधर से मेरे को यू टर्न करना है अभी, ये गाड़ी वाला भी आगे वाला गाड़ी वाला भी यू टर्न ही कर रहा है, यू टर्न करते हैं और चलते हैं रूम की तरफ।
ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब क्या है ना वो 33 नंबर राउंड बोर्ड है सरैया का तो बहुत जाम लगता रहता है कंप्लीट करेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इधर रूम में उधर बुड्ढा का गाड़ी था तो बोला हटाने के लिए तो हटा दिया। तो चलो गाइस मिलते हैं अगला ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, क्या फलक है मोहम्मद जिनी हबीबी। मिलते हैं अगला ब्लॉग में।